अस्सलाम वालेकुम, मैं अभी कोलचेस्टर टाउन में आया हूँ और मैंने देखा कि हर तरफ पुलिस ही पुलिस है। ये देखिए बैक में ब्लॉक है, ये देखें इधर भी ब्लॉक है रास्ता, इधर भी पुलिस ही पुलिस खड़ी है। तो मैंने पूछा उस तरफ मैं गया हूँ, उस तरफ चलते हैं, तो देखा कि जो है वो हर तरफ ब्लॉक है। मैंने इनसे पूछा कि क्यों ऐसा है, तो उन्होंने बताया कि जी जो है किंग आए हुए हैं यहाँ पे, जो है किंग्स आपको दिखाते हैं। ये बेसिकली इधर भी ब्लॉक्ड है और ये सामने लाइब्रेरी है। और आप चेक करें कि ये जो है लोग फिर भी गुजरते हैं और न्यूज़ वगैरह वाले खड़े हैं। मजे की बात सारे खड़े हैं, लेकिन सबसे मज़े की बात ये है कि ट्रैफिक बिल्कुल भी जाम नहीं है। लाइक एवरीवन जो है वो अपना काम करते हुए जा रहे हैं आगे पीछे। तो लेकिन अगर यही अगर पाकिस्तान में कोई MNA होता या इंडिया में कोई छोटी सी भी पोजीशन का बंदा होता, तो जिस तरह यहाँ पे बिल्कुल साथ साथ जो शॉप्स हैं सारी ओपन है और लोग जो है वो खा पी रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये कुछ भी नहीं होना था, सब कुछ बंद हो जाना था। लेकिन यहाँ पे जो है वो आया, क्या नाम है, किंग आया, लेकिन हर चीज़ ओपन है, पूरा टाउन ओपन है, कुछ भी नहीं है। बस वो स्पेसिफिक एरिया के अंदर पुलिस और एम्बुलेंस वगैरह के लोग मौजूद है, जहाँ पर वो मौजूद है सिर्फ उस एरिया को जो है वो ब्लॉक किया हुआ है। इसके अलावा बाकी कोई भी एरिया जो है वो ब्लॉक नहीं है। तो आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी कैमरा निकाला, वीडियो रिकॉर्ड करो, अच्छा मौका है। यू किडिंग मी, मैं अभी जो है वो बाहर ही देख रहा हूँ कि यार ये देखो स्नो आ रही है। यू किडिंग मी, इतना प्यारा मौसम बन गया अचानक से। मैं वैसे निकला था आज जोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए, मैंने कहा यार बड़े दिन हो गए रूम में बैठा हूँ, चले ना जोहर की नमाज़ पढ़ लेते हैं। जोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए निकला था और आप देखें माशाल्लाह इतना प्यारा मौसम बन गया कि जो है वो स्नो होना शुरू हो गया है। तो वाह एस इंटरेस्टिंग। पिछले 10 दिन से जो है वो रूम में बंद हूँ मैं, ठीक है, 10 दिन से रूम में बैठ के एनुअल लीव थी मेरी गुजार रहा हूँ। कोई वीडियो बनाने को दिल नहीं कर रहा, कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा था। और सुबह मैंने वो एक दिन ओवर टाइम बुक किया है और उसके बाद 2 दिन रह जाएंगे मेरे एनुअल लीव के और उसके बाद फिनिश जो है वो दोबारा से काम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आज अचानक निकलने का फ़ायदा ये हो गया कि एक तो स्नो देखने को मिल गई और दूसरा जो है वो किंग आया हुआ था और उसका मैंने प्रोटोकॉल देखा कि हमारे यकीन करें MNS से कम था इसका प्रोटोकॉल। इवन कि किंग की एक बहुत बड़ी वैल्यू है, ब्रिटिश किंग है वो बरतानिया का। तो वाओ इट्स ऑसम, बेई व्यू चेक करें, बाकी बातें छोड़ें, कमाल ही व्यू है। मैंने ना यहाँ पे एक चीज़ नोट की है कि यहाँ पे एक तो सारी बिल्डिंग जो है वो आपको सेम नज़र आएंगी, ऊपर उन्होंने ऐसे वो जो है वो बना होगा छत उसकी, क्योंकि वो स्नो होती है ना, स्नो की वजह से अगर बर्फ़ वगैरह जम भी जाए तो लीकेज नहीं होती, पानी अंदर नहीं जाता घरों के, और इसलिए सब के सब घर जो हैं उनके ऊपर ऐसे अम्ब्रेला टाइप बना होता है। दूसरा यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोट की है कि यहाँ पर ना हर जगह पर पार्क ही पार्क हैं, हर जगह पर पार्क ही पार्क हैं, हर जो है चारों साइड पर। अगर आपका घर है आपके राइट साइड पे भी पार्क होगा, लेफ्ट साइड पे भी पार्क होगा, आगे और पीछे सब तरफ पार्क होगा। अरे कुछ दिनों से ना जब से मैं यहाँ पे मूव हुआ हूँ यहाँ पे, तो मैंने नोट किया कि मेरे घर के पास ना कोई पार्क वगैरह नहीं है। एक तरफ बाज़ार है, दूसरी तरफ जो है वो रोड जा रही है दूर तक, और प्रॉपर जो है वो कोई इस तरह मुझे पार्क नज़र नहीं आया। मैंने ना कभी अपने घर के जो ऊपर सीधी गली आती है जैसे अभी ये वाली गली है,
ये वाली गली मैंने कभी पहले जो है वो ऊपर आया ही नहीं, क्योंकि कभी ज़रूरत नहीं महसूस पड़ी। तो आज छुट्टियां थी मुझे, एनुअल लीव थी, मैंने सोचा चले ना इस गली को जो है वो देखते हैं कि किस तरह की है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कल परसों देखी थी, इतना प्यारा व्यू है इसका, कोई हिसाब नहीं, आपको गली दिखाता हूँ चले। अच्छा भाई, ये मेरे घर के ऊपर जो गली है ना, ये उसका व्यू है। और मैं काफ़ी दिनों से जो है वो मैं नोट कर रहा था कि यार कोई बैठने की जगह नहीं है, हालांकि यहाँ पे हर जगह बैठने की जगह होती है। तो इतना प्यारा व्यू मैंने देखा यार, मुझे 2-3 महीने हो गए यहाँ पे रहते हुए, ठीक है, और मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ पे जो है वो इतना प्यारा व्यू है। यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, ठीक है, चिल कर सकते हैं, यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी वगैरह ले आए, मौसम को इंजॉय करें, ओपन इन्वायरमेंट है, बड़ा प्यारा सा जो है वो सीन है। वीडियो शीडियो भी बना सकते हैं यहाँ पे आगे। तो यूँ मैंने एक चीज़ नोट किया कि यहाँ पे हर चीज़ उन्होंने ना इन्वायरमेंट के हिसाब से बनाई हुई है, ताकि लोग जो है ना वो मेंटली तौर पे रिलैक्स महसूस कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें, उनको अच्छा महसूस हो। इन्वायरमेंट इनका जो है ऑलरेडी अच्छा है, इतना प्यारा यहाँ पे वेदर रहता है, तो क्वाइट इम्प्रेसिंग। हेलो, क्या कर रही हो? हेलो ये देखो पर्दे के साथ ना ये बारी में बैठी हुई थी। हेलो, हाउ आर यू? ठीक हो ना? क्या देख रही हो? है क्या देख रही हो? सो क्यूट। अच्छा भाई, अब मैं आ गया हूँ घर के पास, खाना शाना बनाएंगे अमन के अंदर। अच्छा, यहाँ पे सबसे मजे की बात बताऊँ, यहाँ पे आके ना इंसान का जो वे ऑफ लिविंग है ना वो थोड़ा चेंज हो जाता है। पाकिस्तान में हम पराठे पुराठे खाते होते थे, यहाँ पे आके हम कॉफ़ी के आदि हो गए हैं, चाय के आदि हो गए हैं, ब्रेड खाना शुरू कर दिया है, अंडे फ्राई खाना शुरू कर दिए हैं, टोटली जो है ना वो डिफरेंट सा हो गया माहौल अभी हम लोग। और ओवन में बेकिंग का बहुत ज़्यादा जो है वो नॉर्मल यहाँ पे हम लोग हो गए। पाकिस्तान में हम लोग देसी खुराकें खाने वाले लोग थे, तो वापस आ गए हैं, बहुत कुछ करने वाला है अभी। और इजाज़त है, आज के वीडियो में इतना ही बस बताना था। अल्लाह हाफिज़।